हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की बर्गर। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले बॉइल्ड आलू को मैश करके स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब नमक को अच्छे से इसके साथ मिलाएंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। मैंने 2 लहसुन को बारीक काट के इसमें डाला है। अब इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दें। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बाद 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। याद रखिए, इस मसालों को हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसे बस जो कच्चापन इन मसालों में है उसे दूर करना है। फ्रेंड्स, अब इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ डालने वाले हैं और वो है बॉइल्ड राइस, जो कि हम 2 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बस 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। याद रखिए, सॉल्ट हम लोगों ने आलू में भी डाला है, इसीलिए राइस डालने से इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसमें कटे हुए धनिया पत्ते डालें। अब मैश किए हुए आलू डालें, इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करें। दूसरे बर्तन में डालें और इसे ठंडे होने दें और अब रेफ्रिजरेटर में इसे 10 मिनट रखें। ये ब्रिटानिया का रस्क लिया है मैंने, इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, वो भी मिक्सी में। इस ब्रेड रस्क को हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, आलू टिक्की को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 1/2 कप अरारोट लिया है, 1/2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। अब इसमें कटे हुए धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसमें पानी मिला के एक फाइन बैटर तैयार करेंगे। याद रखिए, बैटर ना पतला ना मोटा हो, मीडियम हो। देख सकते हैं हमारा बैटर और हमारा रस्क बिल्कुल रेडी है। मिक्सचर को हम लोगों ने फ्रीज से निकाल लिया है। आपको आलू के मिक्सचर में बाइंडिंग थोड़ी कम लग रही हो तो आप इसमें बॉयल किया हुआ थोड़ा सा चावल ऐड करके मैश करके इसे अच्छे से मिला गए। पहले आलू वाले मिक्सचर से हम टिकिया बनाएंगे और इसे इस लिक्विड में डीप करेंगे। उसके बाद ये जो रस्क हम लोगों ने बनाया है उसमें कोट करेंगे। मीडियम आंच पे तेल में फ्राई करेंगे। देख सकते हैं टिकिया रेडी है। क्योंकि बचे हुए आलू टिकिया भी हम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। टिकिया बन के तैयार है, एक ज़्यादा फ्राई हो गया था और एक नॉर्मल था। मैंने 2 बन को बीच से काट लिया है और अब मैं इसे ताई में अच्छे से सेकूंगी। टिक चुकी है, अब हम इसमें होममेड मेयोनीज डालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर मेयोनीज का आपको रेसिपी देखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया है मेयोनीज, जो कि वेज है, एगलेस है। और अब मैं इसमें टोमेटो सॉस स्प्रेड करूँगी और दोनों को अच्छे से स्प्रेड करूँगी इस बन में। मैं इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो अपनी फेवरेट वेजीज ऐड करें। अब मैं आलू टिक्की इसमें डालूंगी। ये है बन का दूसरा वाला भाग जिसमें मैं मेयोनीज और सॉस डाल के स्प्रेड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आलू टिक्की बर्गर बनकर तैयार है, वो भी घर के मेयोनीज से। डू लाइक माई रेसिपी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।